हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल एकेडमी। हमने एक नया अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके रीडिंग जो डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे ताकि पेरेंट्स उन समस्याओं को अच्छे से जान सकें, समझ सकें। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिसलेक्सिया, तो ये डिसलेक्सिया क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और ये क्यों होता है और कैसे ठीक किया जा सकता है, ये इन सब विषयों के ऊपर हम आलोचना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिसलेक्सिया आखिर है क्या। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है आपकी रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में। तो ये एक तरीका का रीडिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं या फिर रीडिंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, जो कि रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में दिक्कत करती है, आसान भाषा में इसका तर्जमा। और एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले तारे जमीन पर, आमिर खान इसमें स्टार कास्ट में थे। तो इस फिल्म में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इलास्ट्रेट किया है, बताया है। और एक स्टोरी है एक टीचर और स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट जो है बच्चा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया की समस्या होती है और उसको कैसे टीचर एड्रेस करता है, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक कहानी है। मैं आप सबको इस फिल्म को रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो क्या कौन कौन से लक्षण हैं जो एक डिसलेक्सिक चाइल्ड में देखी जा सकती है। तो सबसे पहला है लेट टॉकिंग। अगर आपका बच्चा देर से अगर बात करता है, अगर कुछ आप कुछ भी सवाल अगर आप उससे अगर करते हैं और वो देर से जवाब देता है, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक चांसेस है कि उसे डिसलेक्सिया हुआ है। उसके अलावा वो अपने बच्चों के हिसाब से जो जो उसका उम्र है उस हिसाब से उसका पढ़ाई नहीं चल रहा है, ये एक दूसरा सिम्टम हो सकता है। और इसके अलावा एक और काफ़ी अच्छा एक है ये सिम्टम एक है जो कि वो अवॉइड करता है जो जो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें रीडिंग इंक्लूडेड है। तो अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रीडिंग, अगर रीडिंग रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज अगर होने से वो उससे दूर भाग जाता है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स रिमेम्बरिंग सीक्वेंसेस। किसी भी चीज़ को धारावाहिक तरीके से और पढ़ने में और समझने में उसे तकलीफ होती है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हर्ड, वो क्या सुनने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको कैसे समझना है, इन सब चीज़ों में वो काफ़ी उसे दिक्कत आती है। उसके बाद है लर्निंग न्यू वर्ड्स, और कोई भी नया शब्द सीखने में उसे दिक्कत होती है, काफ़ी स्लो रहता है वो। प्रॉब्लम फॉर्मिंग वर्ड्स करेक्टली सच एज रिवर्सिंग साउंड इन वर्ड्स और कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स दैट साउंड लाइक, कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर साउंड जो कि लुक लाइक होते हैं, जैसे कि वर्ड्स होते भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप पी एंड क्यू, ब्लू कलर में आप देख सकते हैं पी एंड क्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे को, ऑपोजिट एक रिवर्स देते हैं, पी का चेहरा इस तरफ है और इसका इस तरफ, तो यही एक दोनों में फ़र्क है। उसके अलावा डब्ल्यू और एम, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम, ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं देखने में, तो इन सब चीज़ों में बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं और काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोनाउंसिएशन भी हैं जैसे कि देयर एंड देयर, रेड कलर में आप देख सकते हैं अंत में, तो ये भी एक दूसरा काफ़ी ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ है सिम्टम में, जो बच्चों जो कि डिसलेक्सिक चाइल्ड में देखी जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कॉजेस की, इसका कारण क्या है। देखिए अगर हम कारण की बात करें तो डिसलेक्सिया रिजल्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट इनेबल रीडिंग, इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज। ये काफ़ी हद तक जेनेटिक इसे हम कह सकते हैं, अगर पेरेंट्स में अगर है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बच्चों में भी हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रीजन रह सकते हैं। और दूसरा जो रीजन हो सकते हैं वो है एक्वायर्ड, यानी कि कोई ब्रेन इंजुरी के कारण भी हो सकता है। और कुछ मिथ्स हैं डिसलेक्सिया को लेकर, यानी गलत धारणाएं लोगों के बीच हैं, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा आलोचना करेंगे। तो देखिए लोगों को लगता है कि रीडिंग एंड राइटिंग
लेटर्स बैकवर्ड इज द मेन साइन ऑफ डिसलेक्सिया। जैसे कि हमने आपको कहा कि रीडिंग या राइटिंग रिलेटेड जो समस्या होती है ये एकमात्र यही एक डिसलेक्सिया का एक सिम्टम है, लेकिन ये हर बच्चे के लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई नर्सरी का अगर बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसे वो सीख रहा है, उसे तकलीफ आनी ही आनी है। तो आप उसे शुरू करते ही अगर वो कोई अगर बी को और डी कह रहा है तो आप उसे डिसलेक्सिया नहीं कह सकते, ये काफ़ी ज़्यादा समझने वाली बात है। उसके अलावा है डिसलेक्सिया विथ किड्स विथ डिसलेक्सिया जस्ट नीड टू ट्राई हार्डर। अगर बच्चा पढ़ाई में अगर कमज़ोर है तो उस लोगों को लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, जबकि वो कोशिश करेगा भी तो क्या, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, चीज़ों को देख कर वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये अगर उसे समस्या है तो उसके ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसके टीचिंग मेथड्स में कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि वो आसानी से वो या हार्डर नहीं काफ़ी इजीली वो चीज़ों को पढ़ सके समझ सके। डिसलेक्सिया गोज अवे वंस किड लर्न टू रीड। लोगों को कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बच्चा अगर पढ़ाई करना शुरू कर दे, अगर रीड करना शुरू कर दे तो वो उसका जो जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीडिंग एक है, उसके अलावा भी रीडिंग के अलावा राइटिंग में स्पीकिंग में उसे दिक्कत आ सकती है, वो समझने में उसे प्रोसेस करने में अंडरस्टैंड करने की जो प्रोसेस है उसमें वो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो सिर्फ रीडिंग अगर उसे आ गई इसका मतलब ये नहीं कि ये कम्प्लीटली क्योर आ गया है और उससे कोई समस्या नहीं आएगा। उसके बाद एक दूसरा प्रॉब्लम, लोगों को गलत धारणा है कि डिसलेक्सिया इज ए विजन प्रॉब्लम। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो उसे देखने में दिक्कत है, जबकि ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि वो देखने के बाद उसे किस तरह उसे प्रोसेस करना चाहिए, वो किस तरह से उसके ऊपर एक्शन ले, उसे इस स्टेज में आकर वो दिक्कत होता है उसे, लेकिन उसे देखने में जब समस्या ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा डिसलेक्सिया इज कॉज बाय नॉट रीडिंग इनफ एट होम। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि डिसलेक्सिया इस कारण होता है क्योंकि वो घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, लेकिन ये भी सच नहीं है। सिर्फ पढ़ाई करने से अगर उसका तरीका ही गलत होगा और उसको पहले से उसका ब्रेन का जो फंक्शन है वो अलग किस्म का है और आप उसे नॉर्मल बच्चे की तरह अगर पढ़ा रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा। उसके अलावा डिसलेक्सिया इज रेयर। कुछ लोगों को लगता है कि डिसलेक्सिया काफ़ी कम बच्चों में ये दिखाई देती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत धारणा है। एक रिसर्च के मुताबिक हर 5 बच्चे में से एक बच्चे को डिसलेक्सिया का समस्या होता है, यानी कि एक बेंच में अगर 5 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एक बच्चे को डिसलेक्सिया है, या आप मानकर चलिए। तो इसलिए आप ये भी ना समझें कि ऐसा कोई समस्या होता ही नहीं है, बच्चों में काफ़ी कम होता है, ऐसा नहीं होता। डिसलेक्सिया इज इनक्यूरेबल। डिसलेक्सिया का कोई क्योर नहीं है, कभी ठीक नहीं हो सकता, ये अगर हो गया है तो हो गया है, ऐसा भी नहीं है। इसे अगर अर्ली स्टेज में अगर हम अगर एड्रेस कर लें, इसको अगर हम पहचान लें और उसके ऊपर अगर एक्शन अगर सही एक्शन अगर पॉजिटिव एक्शन कुछ लें तो ये क्योर हो सकता है और होता भी है। अब हम बात करेंगे इसका डायग्नोसिस, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो देखिए, इसका कोई ट्रीटमेंट में कोई मेडिकेशन तो कोई कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसका आप मेडिसिन लेंगे और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ मेडिसिन अभी तक कोई बना नहीं है और ऐसा मिलता भी नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल इंटरवेंशन। उसके लिए कुछ इंडिविजुअल पर्टिकुलर उसके लिए कुछ स्टडी प्लान हम तैयार कर सकते हैं, और ख़ास करके पेरेंट्स को टीचर्स के साथ बात करना चाहिए कि मेरा बच्चा डायग्नोसिस है या फिर इसको ऐसे ऐसी समस्या, अगर आप डिसलेक्सिया है उसको किस तरह डायग्नोस किया जाए, या आप टीचर्स से आप संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा इस तरह के सब्जेक्ट बच्चों के लिए एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है जो इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझ सकें, और इसके लिए कुछ टीचिंग मेथड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अप्लाई करके बच्चों को पढ़ाना होता है ताकि वो ईजीली समझ सकें, और उसके जो जो रीडिंग डिसेबिलिटी जो है, जो उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसमें काफ़ी हैम्पर ना पड़े, इसके लिए एक स्पेशल टीचर या फिर ऐसे टीचर जो डिसलेक्सिया को काफ़ी बारीकी से समझते हों, ऐसे टीचर्स की खास ज़रूरत है। और इसमें कुछ हम टीचिंग मेथड्स में कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी सेंसरी मेथड जिसमें टच और साउंड, मतलब उसके जो अलग अलग सेंसेस के द्वारा टीचर्स पढ़ाते हैं,
ये एक तरीका का डायग्नोसिस हो सकता है। और उसके अलावा प्लेवे मेथड, क्योंकि बच्चा बाकी सारे बच्चों की तरह उस किताब देख कर पढ़कर समझ नहीं पा रहा है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि हम प्लेवे मेथड का इस्तेमाल करें ताकि बच्चा काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ सके और उसके लिए तब पढ़ना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और एक चीज़ मैं आप चीज़ को अच्छे से अब फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर इसको अर्ली स्टेज में अगर आप चाहें तो टीचर से बात कीजिए, और अगर तब भी अगर ये अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर सीवियर है तो आप किसी थेरेपिस्ट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी अगर आपके अगर सवाल बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।